मुझे जाना है, हमें जाना है अभी, और दीदी मेरा वेट और मुझे गालियां मार रहे हैं, जल्दी चल रहे हो जाने क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेट करी है। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सभी? आए हो आप सभी अच्छे हो गए? बंद करो, हम दीदी गेट में लॉक लगा रहे हैं। अरे लगने रहे, रहने दो, ही लगा देगी फिर। तो अब हम जा रहे हैं, नहीं बताएंगे अभी कहाँ जा रहे हैं हम, है ना, दिखाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। फिर आफ्टर दैट ऊपर मिलते हैं आपको बस स्टॉप के पास। ये मैंने स्नैक्स न्यूज, आप कमेंट बॉक्स में बताना कि ये चश्मे कैसे लग रहे हैं। मैंने अभी कुछ टाइम पहले लिया है एंड कैप क्यों उतार लिया? हाँ तो ये भी बताना कमेंट बॉक्स में कि दीदी के ऊपर कैप कैसी लग रही है। ओके सो मिलते हैं हम। हाँ नो ब्लैक कलर, या नो ब्लैक कलर, जो मेरे फ्रेंड्स बोल रहे थे कि जो ये आपकी दी है ना ये ब्लैक ही वेयर करता है, बट नो, आज मैंने उन्हें कहा कि प्लीज़ ब्लैक नहीं वाइट वेयर करें, पूरा दिखाओ ना कि ब्लैक नहीं वाइट वेयर करें। ओके सो अभी हम जा रहे हैं, ऊपर मिलेंगे आपको हम रोड के पास, बिकॉज अभी काफ़ी ट्रैफिक है एंड धूल भी काफ़ी उड़ रही है। सो आंटी ने हमें कहा कि हमें कुछ सामान देना था, आंटी हाँ तो आंटी ने कहा कि शाम को फिटिंग देनी है ना सूट की, तो शाम को देना। तो हमने कहा ओके, हाँ बस मेरे भी देखते रहो, बस यही देखते रहते हैं मेरे बाल ठीक लग रहे कि नहीं। इन्हें अपने बालों से बहुत प्यार है और सच में इनके बाल बहुत प्यारे हैं, मैं दिखाती हूँ कितने बड़े हो गए। तो जब भी हम कहीं जाते हैं तो हमेशा हवा चल रही होती है, देखो आज भी हवा चल रही है, इनके केश उड़ रहे हैं। तो आप मेरा, हाँ मेरा ले लेना ये क्या कहते हैं हेयर बैंड, अगर ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ी आपको। सो हम वॉकिंग आज हम नहीं बताएंगे अभी कहाँ जा रहे हैं, ऊपर ही बताएंगे जाते जाते। हाँ ओके गाइस, आप सभी देख सकते हैं स्कूल से बच्चे आ रहे हैं और हमें भी मन कर रहा है कि हम स्कूल जाएं, है ना। हम लोग भी सोच रहे हैं अगर हम लोग भी स्कूल में होते तो मज़ा ही आ जाता है ना, कितना एंजॉय करते थे स्कूल में। और कॉलेज की हमारी 2 साल वेस्ट हो गई है, शॉर्टकट से जाना है हमें ऊपर। तो ऐसे यहाँ पे ना लिफ्ट बन रही है, पता नहीं कब तक बनेगी, इसमें तो पेंट भी हो गया। ओहो कुछ टाइम में ये ना कंटिन्यू होने वाली है, चलो चलो यहाँ तक ऊपर आनी है। अरे यहाँ से भी ऊपर बनेगी, यहाँ से शिमला के रास्ते से काफ़ी टाइम बाद आ रहा है और यहाँ काफ़ी अच्छा बन गया ये। कब बना यहाँ से ऊपर, कितनी अच्छी बन गई है लिफ्ट, यहाँ तक लगती ना मज़ा आ जाता, चलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती हमें। फिर यहाँ पे अच्छा से अनुभव हो रहा है। मम्मी के पास जाना है, बुला रहे, चले गए वो ऊपर रणवीर की मम्मी के पास। चीज़ ये हाथ में क्या है, ये हाथ में क्या है, मुझे दे दो प्लीज़ दे दो। नाम क्या है आपका? सिम्बा, क्या नेम है? डोरेमोन, छोटा भीम, घूमो घूमो घूमो, झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं साला, फिर से करो साला, झुकेगा नहीं साला, ऐसा करो, झुकेगा नहीं साला। पुष्पा है, पुष्पा नाम है, पुष्पा नेम है, वही जा ही नहीं रहा। क्या क्या है वो मंदिर है? कैसे करना, फिर से करो। चलो आप जाओ, बाय बाय, हम भी जा रहे हैं, बाय बाय बाय। करता नहीं,
चल ही नहीं रहा। क्यों नहीं जा रहे हो आप अपने घर? इसको अकेले यही रहने दो इसको। अरे नहीं जा रहा है। बाय बाय। हाँ काफ़ी ट्रैफिक था यहाँ, जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया वैसे ही सारी गाड़ियाँ, पूरी सड़क बिल्कुल साफ़ हो गई। तो यहाँ कोई ट्रैफिक नहीं दिख रहा है अभी, पर छोटी शिमला में आप कसुमटी, कसुमटी से ऊपर वाला रोड है ना, वहाँ वहाँ काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक लगता है। जो सेक्रेट के लिए रोड जाता है ऊपर, सुबह 9-10 बजे तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है। अभी हम टाइम कितना है, 12:30, 12:30 हुए हैं, तो 12:30 बजे दिन को इतना ट्रैफिक नहीं होता है यहाँ पे। सो एक गाड़ी भी इतना वो करती है ना यहाँ पे। शिट शिट यार दीदी, यहाँ पे गाइस बहुत टेस्टी मोमोज होते हैं। हाँ ये बिल्कुल बहुत छोटा है। हाँ जब हम स्कूल से आते थे तो हम यहाँ खाते थे। उनके लिए एक पर्सनल रूम लिया था और हम ना सब कजिन्स वहाँ जाके बस गए थे। मतलब इन द सेंस ऐसे लगता था, हाँ ऐसे लगता था कि वो हमारा घर है, नॉट हॉस्पिटल। रोज रात को रहने के लिए मैं रहूंगी मैं। फिर हम ऊपर आते थे, यहाँ छोटा सा ढाबा है, फिर यहाँ से मोमोज, फ्राइड मोमोज खाते थे, है ना। मतलब वो बहुत मज़ा आया उस टाइम में। हमारे कजन्स, मामू मामी, नानी, तो नानी को कभी फील ही नहीं हुआ ऐसा कि हम वो हॉस्पिटल में रह गए, है ना। हॉस्पिटल दिखाऊंगी मैं आपको। तो शिमला भी ना अब चंडीगढ़ जैसा बन गया है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। पहले शिमला में टेम्परेचर कितना होता था, मतलब 16 से नीचे कभी शायद ही गया होगा, है ना। ऊपर ऊपर, ओ सॉरी, ऊपर माइनस प्लस, मतलब 16 से ऊपर शायद ही कभी गया होगा मतलब। बट अब 20-20+ हो ही जाता है टेम्परेचर यहाँ पे। इतना तो नॉर्मल ही रहता है। हाँ बट पहले कभी मतलब ज्यादा होता है 20-25 जो चंडीगढ़ बाहर के, बाहर की मतलब सिटीज में रहते हैं, बड़ी सिटीज में रहते हैं, उनके लिए तो बहुत नॉर्मल है 30-35 तो नॉर्मल रहता है चंडीगढ़ का, है ना। 35-40 तो हाँ नॉर्मल है, तो उनके लिए कोई फर्श नहीं, उन्हें कोई हमारे फीस भी बहुत ज़्यादा है। पर जो शिमला में लोग रहते हैं ना उनके लिए 30 भी बहुत ज़्यादा है। 30 तो बहुत ही है, मतलब 25 से ऊपर कभी भी चला जाए तो बहुत ज़्यादा है। ऊपर कभी चला जाए तो ऐसा लगता है बस मरी जाएगी। हाँ ऐसा लगता है हम इतनी गर्मी, मतलब शिमला में भी ऐसा हो सकता है काफ़ी। अब वॉकिंग भी जा रहे हैं, वही तो। अब तो वॉकिंग भी नहीं आ सकते, पहले हम लोग वॉकिंग काफ़ी चलते। ये गाइस ये जो शॉर्टकट है ना सीधा डायरेक्ट ऊपर सेक्रेट पास जाता है, सीधा डायरेक्ट हमें सेक्रेट जाना है, नॉट सेक्रेट, हमें सेक्रेट के पास ही जाना, पास ही जाना है या वहीं जाना है। तो दिखाएंगे अभी। हाँ हमें सेक्रेट के पास जाना है तो हमें शॉर्टकट यहाँ से लिया। अगर हम बस में आते तो काफ़ी लॉन्ग रूट हो जाता था, तो हमने सोचा चलो हमारा एक ब्लॉग भी बन जाएगा और हम लोग वॉकिंग भी जाते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं शॉर्टकट रास्ता सेक्रेट का। इन द सेंस आपको कभी कसुमटी, विकास नगर, BCS से भी शॉर्टकट है, अगर वहाँ से कभी आपको ऊपर आना है तो आप इस शॉर्टकट से आ सकते हैं। मैं बहुत थकी हूँ, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। और अब वहीं ने डिसाइड किया है या कि जब भी कहीं जाएगी तो अब धीरे धीरे डेली ब्लॉग के लिए भी ट्राई करिए। हाँ बट जब कहीं जाते तो तब तो करेंगे। हाँ एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी होती हूँ, माई स्टडीज़, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं रोज़ डेली ब्लॉगिंग करूँ, बट मैं ट्राई करूँगी आप सभी के लिए। गाइस मैं इधर कॉलेज आती थी ना, ये डॉगी अब मुझे भूल गया हो ना, फिर मैं इसे मिलती थी, लेकिन मैं यहाँ से आना पसंद नहीं करती थी। हाँ कॉलेज वॉकिंग आती थी मैं कई बार, शॉर्टकट है यहाँ से, मैं वॉकिंग आती थी कई बार, मैं लेट हो जाती थी ना तो मैं यहाँ से आती थी वॉकिंग, तो ये डॉगी मुझे हमेशा मिलता था। पर अब शायद भूल गया है, 3-4 साल हो गया तो याद भी नहीं होगा इसको कि मैं कौन हूँ। हाँ क्योंकि ये भौंकता था ना उस टाइम, तो मैंने इसे फ्रेंडशिप कर ली थी, फ्रेंडशिप करी तो फिर तो फ्रेंड बन ही जाते, पर ये अभी पहचान ही नहीं हुआ। अगर मैं शायद इससे बात करती तो शायद है। हाँ आते हैं। हाँ
ना गर्मी सहन करनी है ना, जितने बड़े हो रहे हैं ना चला जाता है ना गर्मी सहन होती है। पर ये तो चंडीगढ़ में भी रहे, इन्हें पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। मैं तो चलो शिमला में ही रही हूँ और शिमला के लिए, शिमला वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा है 25 टेम्परेचर। गॉड लेट्स सी आज कितना टेम्परेचर इस टाइम। हाँ कितना चेक करो सर। पर अभी ने भी जैसे 2 सालों से काफ़ी लोग लोग घर पे रह रहे हैं, तो शिमला में रह रहे हैं तो टेम्परेचर हमें डाउन ही पसंद है। हाइट्स के लोग हैं, गर्मी सहन नहीं होती है। 22 बहुत ज़्यादा हो गया यार, पहले नहीं होता था इतना। 2-3 सालों से ना काफ़ी टेम्परेचर काफ़ी हाई जा रहा है। गर्मी क्यों लग रही है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से थोड़ा बहुत व्यू ऐसा दिखता है। सेक्टर से हम सबसे नीचे वाले फ्लोर में, यहाँ से कुछ इस तरह से व्यू दिखता है। और आपको एक और टॉप सीक्रेट चीज़ बताती हूँ, मतलब यहाँ पे बिल डिपॉजिट होता है गाइस। मैंने बहुत बिल डिपॉजिट करवाया है, जब ऑनलाइन नहीं होते थे ना, गूगल पे नहीं चला था। यहाँ पे मैंने बहुत लंबी लाइन पे भी खड़ी हुई, नहीं लंबी लाइन नहीं, मतलब 2-3 लोग होते थे, पर मैंने यहाँ बिल डिपॉजिट करवाए अपने। जब मैं कॉलेज जाती थी तो मेरे को मम्मा बोलते थे बेटा था उस टाइम, मतलब हम ऑफलाइन ही बिल डिपॉजिट करवाते थे, तो मम्मा बोलते थे चलो आप अपना बिल यहीं पर डिपॉजिट करवा दो, देन फिर करवाती थी मैं यहाँ पर। सो वैसे डिस्ट प्लेस होता है ये, तो बाहर से दिखा देते हो, देखो काफ़ी टाइम हो गया है, अंदर तो मुझे जाने नहीं दे। राइट सो गाइज, मैंने अभी मास्क वेयर करना भूल गई थी, अभी मुझे फ़ाइन लगना था, 5,000 रुपीज़ दे दी थी फाइन, ऊपर से सेक्रेट के बाहर, ऊपर से घर से आ रही थी जल्दी जल्दी में, मुझे मास्क भी नहीं मिला, मुझे यही मास्क मिला तो इग्नोर है मास्क। तो अगर आपको सेक्रेट के अंदर से जाना है तो आपको पहले पूछना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। हम जैसे नॉर्मल लोग तो जा नहीं सकते, बिकॉज़ हम तो काफ़ी नॉर्मल लोग हैं ना, तो हम लोग क्यों सेक्रेट जाएंगे, है ना। हाँ तो ये गाड़ियाँ सेक्रेट की ऑलवेज, यहाँ इतना ही ट्रैफिक होता है, या वैसे काफ़ी ट्रैफिक होता है, पर आज है नहीं क्योंकि हम दिन को पहुँचे हैं, सुबह शाम काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है। सेक्रेट की न्यू बिल्डिंग बन रही है अब बन के, हाय कॉलेज जाया करते थे हम यहाँ से, अब तो वैसे सब कुछ। गाइस जो यहाँ का व्यू आता है जब आप पिक्चर्स क्लिक करते हो यहाँ पे, यहाँ छोटी शिमला का बस स्टैंड है, पार्किंग के साथ ही है पीछे को, यहाँ से आप छोटी शिमला ढली के लिए बसेस ले सकते हैं। और ये है पार्किंग, यहाँ से डायरेक्ट आप आगे जाओगे तो आप पहुँचोगे विशाल मेगा मार्ट के पास। हमें वहीं जाना है हमें वहीं जाना है, हाँ उसके साथ में कहीं में जाना है। ओके अभी भी लाती थी जोगिंदर अंकल, यहाँ बड़ी कड़क चाय मिल रही है अंकल, पियो ना आपने, पीने मेरी फेवरेट कार, हाय मेरी फेवरेट गाड़ी है दीदी एम्बेसडर, यस आर्मी वाली जो होती है ना वो तो मेरी फेवरेट है, अब मिलती नहीं है, लॉन्च ही नहीं उसको बिठा था, क्या बकवास था यार गाइस, बहुत ही। ये है विशाल मेगा मार्ट का गेट, यहाँ आपको, हाँ यहाँ आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, लाइक मॉल टाइप है, पर अभी हम ऊपर जाएंगे नहीं ना। है विशाल मेगा मार्ट का मेन गेट, अब पता नहीं मुझे वीडियो बनानी देगी अंदर की नहीं। कुछ इस तरह से एंट्री है, देखते हैं कुछ अच्छा लगता है, न्यू कलेक्शन आई है,
You know, I love to wear light colors. देखते हैं अगर अच्छा लगा तो ही हम इसे लाएंगे वरना नहीं लाएंगे। इधर देखो हाय करो, हाय करते रहते हो हर ब्लॉग में। गाइस कुछ इस तरह हमें वहाँ शूट करने से मना कर दिया, फिर हम लोगों ने शूट भी नहीं करा और हमें कुछ ज़्यादा खास चीज़ अच्छी नहीं लगी तो फिर हमने कुछ लिया भी नहीं। सो अब हमें प्यार काम के लिए हम लोग आए थे वो हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ दीदी, बताएगी सबको? नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा सीन था। अगर बताएगी थोड़ा यू नो थोड़ी मीटिंग कैंसिल हो गई हमारी। हाँ मीटिंग कैंसिल हो गई जिस चीज़ के लिए आए थे। चलो नेक्स्ट टाइम, अब कोई बात नहीं। अब क्या, अब यहाँ भाई तो पूछ ले एक बार। हाँ इधर पूछ लेते हैं तेरा क्या रहता है, कैसे रहता है। नीचे जाने को बड़ा ही बेकार है। तो अब काम तो हुआ नहीं, चलो हम थोड़ा कुछ खा पी लेते हैं फिर रात को मिलते हैं थोड़ी देर में। अब हम लोगों ने अपना काम कर दिया है, हम लोग अपनी कोचिंग्स के बारे में हम लोगों ने पूछ लिया है एंड देन अब हम लोग जा रहे हैं वापस अपने घर। तो गाइज हमने अपना पता नहीं कौन से शॉर्टकट से जा रहे हैं, पता है थोड़ा थोड़ा बहुत क्या कहते हैं मतलब आईडिया से पहुँच। हाँ तो हमारा यही काम था, मतलब आए थे कहीं और जाने के लिए पर वो जहाँ जाना था वो वहाँ जा नहीं पाए। हाँ तो हमें पता ही नहीं था। तो महिंद्रा कोचिंग सेंटर छोटी शिमला जो एमवे होता है ना उसके साथ था, अब वहाँ पे नहीं है, अब वो खलीनी शिफ्ट हो गया है और हमें नहीं पता था। तो अब हमें पता लग गया है, अब हम वहाँ जाएंगे कल, फिर हम वहाँ से जो हमें डिस्कस करना है हमें पूछना है हम वो लोग पूछेंगे एंड देन फिर देन फिर हम क्या कहते हैं यार बोल ले तो क्योंकि अंकल देख रहे थे ये फोन से बातें कर रही है। अंकल सोच रहे हैं ये फोन से बातें कर रही। हाँ तो फिर मैं क्या कह रही थी, हाँ तो वो वहाँ से शिफ्ट हो गया है, तो खलीनी शिफ्ट हो गया है, चौक के साथ ही है कहीं, हमें किसी ने बताया, हम लोगों ने जब थोड़ा बहुत रिसर्च करा कि कहाँ है कहाँ है गूगल पर रिसर्च करा तो हमें पता चला कि वो खलीनी शिफ्ट हो गया है। तो अगर किसी को जाना है महिंद्रा कोचिंग सेंटर तो आप खलीनी जाइए, छोटे शिमला में कुछ कोई सेंटर नहीं है और सेंटर्स है बट महिंद्रा खलीनी जाइए, छोटे शिमला में कुछ कोई सेंटर नहीं है और सेंटर्स है बट महिंद्रा इज़ द बेस्ट सेंटर फॉर द बैंकिंग कोचिंग। सो बस हमारा जूस भी खत्म हो चुका। हाँ अब जूस भी ख़त्म हो गया था, हमने कुछ नहीं खाया ज़्यादा, जूस खाया दीदी ब्लॉग पकड़ो यार फोन गाइस हमने आज जूस खाया ऐसा माही बोल रही है और अब हमें यहाँ से यहाँ जाना नहीं, है आगे जाना है। आए तो थे हम एक बार कभी, हमने जूस ही पिया है अभी कुछ नहीं पिया, अब घर जाके खाना ही खाएंगे क्योंकि रोज रोज हम आजकल बाहर जा रहे हैं और हम बाहर का खाना हेल्दी नहीं होता है, हमें हेल्दी फूड खाना है। एक दिन हमने गाइस जब हमने एक चैलेंज किया उसके बाद हमारा बहुत पेट दर्द हुआ, मन ही भर गया कि हम लोग कुछ नहीं खाएंगे बाहर से, अब बस हम हेल्दी फूड खाएंगे जो घर पे मिलता है वही खाना खाएंगे, हम ज्यादा कोई खाना नहीं खाएंगे। अब बस हुआ बस, और क्या बोले और बस यही था। और दीदी अब देखते हैं कि मैं और दीदी हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग अभी तक ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग्स ले रहे थे, अब हम सोच रहे हैं कि क्यों ना ऑफलाइन जाके देखें बिकॉज 2-3 साल हो गए हम लोग हम लोग घर से बाहर नहीं निकले, हम ऑनलाइन ही स्टडी कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी करते करते हमारी आईज में ना बहुत ही ज्यादा यू नो प्रेशराइज हो रहा है और आईज में इफेक्ट पड़ रहा है, इसलिए हमने सोचा हम ऑफलाइन जाएंगे। देखा गाइस ऑफलाइन जाने का
बहाना है हमारे पास। सोच रहे कि कुछ टाइम हम चंडीगढ़ शिफ्ट हो जाए, इन लोगों का IBS जो है इंस्टीट्यूशन फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, ये इंडिया के काफ़ी स्टेट्स में है, तो हम लोगों ने सोचा कुछ टाइम हम शिमला रहते हैं, उसके बाद हम लोग चंडीगढ़ शिफ्ट हो जाएंगे। माई कितनी बातें करनी है। हाँ, तो बता रही हूँ ना मैं अपने फ्रेंड्स को, तो अभी हमारा प्लान है कुछ कि हम लोग चंडीगढ़ शिफ्ट हो जाए, पर अकॉर्डिंग टू देखते हैं अगर हमें मतलब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही जाएंगे हम, ज़्यादा नहीं गर्मी मुझसे सहन नहीं हो पाती, मैं गर्म जगह पर रह नहीं पाती हूँ, इसीलिए मैं कुछ और भी बोलना है। सो यही बताना था मुझे, ज़्यादा कुछ नहीं बताना, इसको छोड़ो रास्ता है। और मुझे ना वो हमेशा अच्छा है, पता नहीं माई कहाँ जाना चाह रही है, तो देखो 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 सब देखो, बड़ा ही प्यारा सा गार्डन है यहाँ और बहुत ही अच्छा है, और ये है पता नहीं पार्किंग है, हम पता नहीं कि जिसकी, और एक भी वीडियो पसंद नहीं आई है, आई मीन सॉरी फोटोज पसंद नहीं आ रही है, मैंने कितनी खींची है। हाँ वीडियो इन्हें इन्हें क्या कहते हैं, फोटोज पसंद नहीं आ रहे हैं, अब मैं क्या कह रही हूँ, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कुछ। हाँ मैंने सुबह ही तो सेव किया था ये ब्लॉग, यहीं तक भी हम बहुत थक गए हैं, तो मेरी वीडियो को डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो न्यू का क्या बोलूं, बहुत ज़्यादा थक चुकी है और यहाँ पे बहुत ही धूप लग रही है। पाइन कॉटेज ये बहुत बेस्ट लुक, ये ब्लॉग यहीं का, अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो न्यू है मेरे चैनल पे वो भी सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो बस बाय 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 बाय, मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में।